दरअसल लाखों भक्तों की ये कामना होती है कि वो एक पल माता विंध्यवासिनी के धाम में हाजिरी लगा सके, और आज नवरात्र का पहला दिन है और इस तरीके से लाखों भक्तों की आज मनोकामना पूरा होने जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्तगण कतारबद्ध हैं, वो अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदिर अभी बंद है, 1 बजे खुलने की बात बताई जा रही है। उस दौरान दूर दराज से, देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में भक्तगणों के आने का सिलसिला अनवरत जारी है। तमाम भक्त जो महाराष्ट्र या सूरत से भी हैं हमारे साथ, सूरत से बहुत स्वागत है। बताइए आप यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसा फील रहा है कि जन्नत में आ गए। आप कहाँ से आई? मैं सूरत से आई हूँ। लाइन हो जा रही है, व्यवस्था गड़बड़। सूरत से आई है। कैसे यहाँ आना हुआ विंध्याचल? आप कैसे प्लान करी, कब से प्लान करी? जी हम लोग गया जी आए थे, उसी दौरान हम लोगों ने काफ़ी सुना माता विंध्याचल माता का, जो कि माता यशोदा की पुत्री है, इसलिए हम लोग की इच्छा हुई कि यहाँ आए हैं इतनी दूर तो माता का दर्शन जरूर करके जाएंगे। तो आपने विंध्याचल के बारे में जैसा सोचा था, जैसा सुना था, वैसे ही है या उससे बेहतर है या और कुछ ज़रूरत जी? सोचा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएँ और होनी चाहिए यहाँ पर ताकि भक्तजनों को परेशानी ना हो। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और माता के दर्शन करके तो और महानता प्रसन्न। पहली बार आ रही हैं? हाँ जी मैं पहली बार ही आया। आप बताइए। हम भी पहली बार आ रहे हैं और हमको यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी साक्षात हमको दर्शन के लिए बुलाई है बस। आप लोग एक विशेष गीत संगीत भी तैयार करी है शायद, जरा हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। हम चुंदड़ी चढ़ाना चाहती है माता रानी को, तो चुंदड़ी के लिए हमने एक भजन तैयार किए है। मैं माता जी के मंदिर में तीसरी बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैं नागपुर से आई हूँ और मैं माता जी की बहुत दीवानी हूँ, ऐसा लगता है माता के दर्शन करने के लिए ही मैं मतलब यहाँ पर आई हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप लोगों की मनोकामना पूरी करें, थोड़ा एक माता रानी को खुश करने के लिए का लाइन गा देंगे। चुंदड़ी का लो लाया थारी चुंदड़ी करियो मासी का, लाया थारी चुंदड़ी कर लो मासी का, बहुत जबरदस्त। तो जो उत्साह है, जो इच्छा है, जो श्रद्धा है, वो अत्यंत निराला और जबरदस्त तरीके से लोगों में दिखाई भी दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवरात्र के पहले दिन माँ के दर्शन से तमाम मनोकामना भी लोगों का पूरा होता है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। Thank you.